छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि ट्रबल इंजन ने 2017 में केंद्र सरकार के दबाव में जीएसटी बिल पर ऐसी शर्तों के तहत स्वीकृति दे दी जो पूर्णतः राज्य के हितों के विरुद्ध थी। उसका दुष्परिणाम है कि राज्य को 6,000 करोड़ प्रतिवर्ष की क्षति हो रही है। रमन सरकार का यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है, प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी जो 3 नक्सली हमला हुए और जिसके कारण से मौतें हुई, उसके बारे में उनको लगता है कि जांच है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा है और वो लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पहले भी जब हम लोग जांच कर रहे थे तो NIA सीधा टेक ओवर कर ली थी और हम लोग कोर्ट में, मतलब वो लोग कोर्ट भी, हम जो SIT वगैरह गठन किए उसके खिलाफ कोर्ट भी गए। और अभी जब इस प्रकार से और घटनाएं घटी है तो इस मामले में DG ने NIA के महानिदेशक को पत्र लिखा है कि इसकी भी जांच NIA से करा ले ताकि भारतीय जनता पार्टी के लोग संतुष्ट हो। रमन सिंह ने आवाज को लेकर के ट्वीट किया है कि 16 लाख जो गरीबों, ये किस आधार पे कर रहे हैं? पोस्टर को लेकर ये आंकड़े कहाँ से आए? 16 लाख जो आंकड़े हैं भाई, अभी जनगणना हुआ नहीं है, गरीबी रेखा सर्विस जारी नहीं हुई है, तो किस आधार पे कर रहे हैं? 2001 के, फिर 2011 के, फिर 2008 के, फिर 2012 के, किस आधार पे कर रहे हैं? और हर 10 साल में जनगणना करने के प्रावधान हैं, और जब अभी ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है ये 16 लाख आंकड़े बताए हैं वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई हो, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं, ये मेरा आरोप है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं, जनगणना हो तो दूध का दूध और पानी पानी हो जाए, तो कौन हितग्राही है कौन नहीं है? 10 साल में लोगों की स्थिति वही वही नहीं रहती, उस परिवार की स्थिति कोई वैसी वैसी नहीं है, या तो घटेगा या बढ़ेगा, तो उसकी जानकारी होना चाहिए एक्चुअल कि है कितने लोग। आखिर 10 साल में जनगणना कराने के पीछे उद्देश्य क्या था? कि देश के लोगों के माली हालत में कितना परिवर्तन आया, और उस आधार पे सरकारें हैं वो फिर योजनाएं बनाती है कि ये डेटा है और इसके आधार पर हम लोग निर्णय लें कि किस दिशा में हम लोगों को काम करना है। तो ये तो है ही नहीं आंकड़े, बिना आधार के काम करेंगे? तो पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग घर गांव गांव घूम रहे हैं ना, गली गली घूम रहे हैं, उसको केंद्र सरकार से मांग करना चाहिए जनगणना हो। CNRC के चक्कर में पूरे देश की जनगणना को ना रोकें, सीधा सीधा जनगणना कराना था तो केंद्र सरकार की कमजोरी नाकामी उजागर हो जाता, और इस कारण से ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। अब राज्य चूँकि चुनाव हैं तो उसको दूसरे रूप से कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ भाई जनगणना कराएं ना, 16 लाख हो, 16 लाख, 8 लाख है तो 8 लाख, 10 लाख है, 15 लाख, 20 लाख, जो भी आंकड़े आए उस आधार पर योजना बनना चाहिए कि रमन सिंह ने कह दिया इसका से वो उसी गाइडलाइन मान ले। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को मांग करना चाहिए कि जनगणना की, मैं समझता हूँ आप लोगों की समझ आ गया होगा। इलेक्शन लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस लड़ रही है और BJP है, क्या आपको उम्मीद है? अब देखिए रिजल्ट आ जाएगा, मतदान होने दीजिए, रिजल्ट आएगा तो, क्योंकि मैं भी नहीं गया हूँ और आप भी नहीं गए हैं, तो यहाँ से बैठ के वहाँ के बारे में कोई बयान करना
मैं जाता तो निश्चित रूप से उसके बारे में जानकारी देता कि स्थिति ये है, लेकिन गया नहीं हूँ तो मैं ऐसे केवल बयान देने के लिए बयान नहीं दूंगा। सर, ये किया है कि 6,000 करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है। ये रमन सिंह के नाकामी चलते, हम उत्पादक राज्य हैं, जबरदस्ती उन्होंने स्वीकार कर लिया और 2022 के बाद से अब हमको GST का जो क्षतिपूर्ति वो मिलना नहीं है। तो ये रमन सिंह जी को माफ़ी मांगना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता से, तो हमारे प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। हम उत्पादक राज्य हैं, उत्पादन करते हैं, लोहा स्टील करते हैं, सीमेंट करते हैं, एल्यूमिनियम करते हैं, सारे उत्पादन तो हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है और उत्पादक जो नीति बनी है भारत सरकार के उसे उत्पादक राज्यों को नुकसान होना है। तो इस नुकसानी के लिए जिम्मेदार कोई है तो रमन सिंह और उसकी पूरी टीम।